आज का वीडियो DVV की लेटेस्ट गाइडलाइन है ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा के ऊपर। तो कल DVV की हमारी कुलपति के साथ पूरी पूरी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के अनुसार जितने भी लोग सदस्य थे कमेटी के, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि एग्ज़ाम फिलहाल रूप में 18 जनवरी जो यूनिवर्सिटी का शेड्यूल जारी है उससे स्टार्ट होंगी, पूरी तरीके से ऑफलाइन पद्धति पर ही होंगी। अब इसमें कभी किसी प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, जैसे कि इंदौर में कल भी अप्रॉक्स 900 से 1000 केसेस एक्स्ट्रा आए हैं, तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन की जा सकती हैं, बट एग्ज़ाम पूरी तरीके से ऑफलाइन पैटर्न पे ही होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो गाइडलाइन है, स्टूडेंट्स ने 1-2 साल से कभी भी ऑफलाइन पेपर नहीं दिए, और ऑनलाइन एजुकेशन से या ऑनलाइन एग्जाम से बच्चों का जो मानसिक स्तर है, जो कमेटी के सभी मेंबर्स का एक मत था, वो बहुत डिग्रेड हुआ है। सो एग्जाम्स एज फॉर नाउ जो लेटेस्ट अपडेट है वो 18 जनवरी से ऑफलाइन हो रही हैं। कोरोना के केसेस बढ़ने पे एग्जाम पोस्टपोन की जा सकती है, इसके लिए उन्होंने जो बहुत सारे छात्र संगठन जो इस चीज़ का अगेंस्ट में जा भी रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक वीक का एक डे प्लान करा है, जिसमें हर छात्र संगठन के जो भी उपयुक्त नेता होंगे या उपयुक्त जो भी प्रतिनिधि होंगे, वो DAVV की जो भी काउंसलिंग कमेटी है या जो भी कमेटी है उनसे मिलके बात कर सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे। बट स्टूडेंट्स एज फॉर नाउ लेटेस्ट अपडेट, अगर कोरोना कंट्रोल में रहता है, और वैसे भी इस लहर के बारे में बोला जाता है कि ये जल्दी से बढ़ के, मतलब 20-21 दिन में बहुत बढ़ती है, देन इजीली डाउन होना शुरू होती है ओमिक्रॉन की लहर, तो आप इस बात के लिए अपडेटेड एंड बी प्रिपेयर्ड रहिए कि एग्ज़ाम आप लोगों की अभी फिलहाल के लिए 18 जनवरी से होने वाली है, एग्ज़ाम पूरी तरीके से ऑफलाइन ही होगी। तो स्टार्ट स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।